नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो झालदा के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में पूरा मैंने बताया कि झालदा आश्रम कैसे हुआ, कैसे आपको जाना है, कहाँ पे रहना है, क्या देखना है, वो पूरा चीज आपको बताया। अभी कैसे ये चीज पिछले 5-10 सालों में क्या चीज कैसे क्या हुआ, ये थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए झालदा में क्या हुआ कि पहले तो झालदा जो था विशुद्धानंद तपोवन वो दुर्गा बाबा का बहुत फेवरेट प्लेस था। दुर्गा बाबा के जाने के बाद दुर्गा बाबा का जो बड़ा लड़का है गुई बाबा, वो गुई बाबा झालदा आश्रम में काफी आते जाते रहते थे और झालदा आश्रम को देखते भी थे क्या हो रहा है क्या चल रहा है। तो गुई बाबा के रहने के दौरान जो राज परिवार का जो कुछ वंश है फैमिली है वो भी फिर उधर दीक्षित हुए और कुछ डिवोटीज और भी थे गुई बाबा से दीक्षित हुए और उनका एक ग्रुप था। और पूरा चीज जो ऐसा होता था झालदा में सब कुछ सही से चल रहा था। उसके बाद गुई बाबा 1979 को चले गए। 1979 के बाद गुई बाबा का जो पत्नी है उनका जो परिवार है वो थोड़ा बहुत फिर आश्रम में आना जाना उनका रहता था। अभी समस्या क्या है, बाबा का जो परिवार है वो बर्धमान में रहते हैं और बर्धमान से झालदा काफी दूर पड़ता है और ट्रेन भी उतना तो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है और झालदा जो है थोड़ा सा रिमोट प्लेस है और फिर माओवादी एरिया भी था। माओवादी के बारे में आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, एक टेररिस्ट ग्रुप है देश के अंदर ही। माओवादी टेररिस्ट कह नहीं सकते, उन लोगों का अपना कुछ आदर्श होगा, भला बुरा भगवान जाने, कुछ भी हो तो वो लोग काफी उधर थे। तो फिर इस दौरान क्या हुआ, वो आश्रम में आना जाना थोड़ा बहुत कम हो गया। तो फिर आश्रम में आना जाना कम हो गया और गुई बाबा का भी जितने लोग थे उन लोगों का भी उम्र हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आश्रम गिरने लगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और मैं जब गया पहली बार 2011-12 साल में 2011-12 में मैं गया और मैं आश्रम जाके देखा, आश्रम करीब करीब खंडर बन चुका। आश्रम में हर कुछ टूट फूट गया, दरवाजा जानला जो है सब खुल गया, सब खुला हुआ है, कोई कुछ तोड़ के ले गया, कोई कुछ खोल के ले गया। आश्रम में इधर उधर फ्लोर से ग्रास निकल गए, पेड़ पौधे गंदगी एकदम टूटा फूटा, माने खंडर के माफिक हालत था। आश्रम में मैं ऊपर छत पे गया, उधर खैनी का डिब्बा, तम्बाकू का सब सामान, ऐसा लिखा है आई लव यू करके ऐसा डिजाइन बना हुआ है, माने वो ऐसे ही तो पूरा रिमोट प्लेस है, मैं आपको बताया। और फिर खंडर बन गया, माने वो आश्रम में क्या होता है भगवान जाने, क्या प्रेम होता है, क्या कुछ नशा भंग करने के लिए लोग आता है, क्या करता है, क्या होता है, उधर कुछ देखने वाले भी नहीं है क्योंकि वो तो कोई लोकेलिटी में बना हुआ नहीं है, पूरा रिमोट प्लेस मैं आपको बताया, चारी तरफ सुनसान है और जंगल है पहाड़ है। वो चीज वो पूरा वाकया देख के मुझे काफी दुख हुआ। और उसके बाद फिर मैं पंचमुंडी आसन के तरफ गया। पंचमुंडी आसन का भी करीब 100 साल पुराना वो बिल्डिंग है, दरवाजा भी टूटा फूटा है, फिर भी एक ताला लगा हुआ था और वो सब मैं देख के आया। और ऊई एक पोका होता है जो वो जो उडन चीज है उसको खाता है और सब चीज बर्बाद करता है, वो पेप्टिसाइड वो जो होता है वो सब भी उधर सब लग गया। फिर क्या हुआ, मैं पूरा वो चीज देखा, उसका फोटो लिया और फिर मेरा गुरुजी तब जीवित थे बाबा का जो पोते, उनको मैं सब पिक्चर दिखाया कि ऐसा हालत है, उन्होंने बोला अभी क्या करेंगे बोलो, ठीक है। तो तब वो 2011-12 साल का बात था। उसके बाद मेरा गुरुजी चले गए 2014 को, मुझे याद है शायद 2016 या 17 होगा। तो मैं गया झालदा फिर से देखने के लिए क्या चल रहा है और झालदा में वही खंडर ही तो था, कोई कुछ नहीं था, क्या चल रहा है पता नहीं, सब कुछ सुनसान, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं गया फिर पंचमुंडी आसन के तरफ जो मंदिर बना हुआ है और फिर मैं जो टूटा फूटा दरवाजा था वहां से ही मैं आंख डाल के देख रहा हूँ अंदर क्या है, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति सब उलट पुलट है, धूल मिट्टी कुछ है, ऐसा कुछ आबिर
कुछ खेला था, रंग वंग खेला था, वही गिरा हुआ है। माने वो देख के लगता है कि इधर ये चीजें ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक से ये चीज मेंटेन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है सब कुछ। मुझे खास अच्छा नहीं लगा। और फिर मैं राज परिवार वाले को, कुछ को मैं जानता था, मैं वो परिवार वाले के पास गया और मैं मिला, मैं बोला ऐसा, मैं बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम से मैं बिलोंग करता हूँ, वर्धमान से आया हूँ, थोड़ा कुछ बातचीत हुआ। उसके बाद मैं उनको पूछा कि ये पंचमुंडी आसन मंदिर का ऐसा हालत है, आपका यहाँ पूजा होता है कि नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं, पूजा तो अभी 10-12 साल हो गया, शायद उसका ज्यादा कम, पता नहीं, पूजा तो बंद है। कभी कभी काली पूजा जो होता है दिवाली के वक्त, अगर कुछ वक्त कुछ उधर होता है, और नहीं तो फिर अगर अमावस्या होता है कभी कभी पूजा होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर उसमें कुछ पूजा होता है, डेली पूजा तो कुछ नहीं होता है, कभी पूजा होता तो होता है, तो नहीं होता है तो कुछ नहीं, ऐसा ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बाबा विशुद्धानंद जी और ज्ञानगंज लेके सब इतना सब ढंका बज रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, तो अच्छा है बुरा है पता नहीं, उसका हम आलोचना नहीं करते, फिर भी बाबा विशुद्धानंद जी को लेके जो कोई चल रहा है उसको इतना वो ध्यान में नहीं आता है कि बाबा का स्थान है और ऐसा बुरा हालत है, कोई उसके बारे में सोचता नहीं। तो फिर मैं काफी फेसबुक में तब लिखा और बाबा के परिवार वाले के पास भी गया, फिर तो सॉल्यूशन ऐसा कुछ खास नहीं निकला। और फिर मैं सोचा अभी क्या किया जाए, उधर अगर कोई पुरोहित हम अपॉइंट कर पाए तो फिर देखो, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है उसका जो दायित्व है वो खुद को लेना है। आप बुरा लगे दूसरों को बोल दिया, आप चुप कर गए, फिर बात का कुछ नहीं बना। आपको बुरा लगता है तो खुद का खुजलिए, खुद खुजाओ, ठीक है, ऐसी ही बात है। मुझे बुरा लगा तो मैं फिर देवाशीष दा, करीब करीब साल हो गया, 1 साल 10 महीने हुआ देवाशीष दा झलदा जा रहे थे, तो मैं देवाशीष दा को बोला आप देखिए उधर अगर कोई पुरोहित मिलता है तो मेरा जितने भी लोग है मैं अगर कुछ मिला के कुछ खर्चा दे पाऊ तो फिर करीब करीब आश्रम में इतना होना चाहिए कि नित्य पूजा होवे, नित्य पूजा कोई तो आए, एक थोड़ा सा अगरबत्ती धूप दीप कुछ जला दे, दो फूल रख दे, ऐसा तो होना चाहिए। तो देवाशीष दा गए और फिर वो जो पुरोहित थे, जो रॉयल फैमिली के जो पुरोहित थे, राज रॉयल प्रिस्ट, उनके परिवार वाले ही पंचमुंडी आसन में वो पूजा करते थे, उनका पिताजी, फिर उनका पिताजी। तो देवाशीष दा उनको पकड़े, अभी पुरोहित है तो कोई तो स्पॉन्सरशिप करना होगा, उनका कोई पैसा वैसा कुछ नहीं देता है, तो फिर पहले उनका परिवार वाले पूजा करते थे, अभी बंद है, तो उनसे पूछा कितना क्या लोगे, मैं जितना एस्टिमेट किया था थोड़ा सा ज्यादा ही वो बोले, फिर भी मैं राजी हो गया। तो तब से अभी करीब करीब 3 साल हो गए, हर महीने मैं और कोई बीच बीच में अगर कोई आता है, नहीं तो मैं और मेनली नितिन पंचनाथन भैया जो है, खुशी खुशी हर महीने पुरोहित को हम लोग पैसा भेजते हैं और पुरोहित रोज जाके उधर पूजा करता है, साफ सुथरा रखता है। और फिर 2018 में भी मैं गया था, 1 साल बाद या 19, मुझे साल का कोई हिसाब नहीं, 3 साल तो हो ही गया शायद, तो मैं गया, फिर पुरोहित को बोला क्या समस्या है, उनका कुछ आलमारी चाहिए था, आलमीरा दिया और पूजा का कुछ सामान वो भी दे के आया। तो ये सब मैं करके आया, वो चीज अभी चल रहा है। और उस दौरान और एक वाकया हुआ कि उधर एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर पीके दास करके एक डॉक्टर साहब है, 30 साल से झालदा में वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका नर्सिंग होम है, उनका परिवार वाले भी काफी समृद्ध है भगवान के दया से। तो उनको ऐसा मन में आया कि ये पूरा चीज ऐसा रिमोट है तो उसमें अगर कोई हम स्कूल बना सके, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनको बनाना था। तो वो देवाशीष दा को उन्होंने अप्रोच किया कि आपका ये पूरा आश्रम जो है करीब करीब खंडर बन चुका है, अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रिपेयर वर्क करें और यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल सके तो कैसा रहेगा। तो देवाशीष दा तब मुझे फोन किए थे, मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे पूछा अनिरुद्ध क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए। मैं बोला एकदम बहुत सही प्रस्ताव है, बहुत ही सही प्रस्ताव है, ऐसा करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की बहुत बड़ा दिल होगा क्योंकि वो इतना बड़ा आश्रम है, माने एक छोटा सा किला समझ लीजिए आप,
किला, वो किला रिपेयर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा बहुत बहुत पैसा उन्होंने दिया, अपना लोक बल। तब काफी लोग फिर उनके पीछे भी ऐसा पड़ गए, पॉलिटिक्स जैसा वो रहता है, आश्रम में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। भाई आश्रम गिर रहा था तब तुमको कुछ नहीं हुआ, अभी आश्रम में कोई कुछ काम रहा है तब तुमको बहुत जल रहा है। तो मैं बोला छाड़ो ये सब ये पता है मुझे ऐसा होता है, तुम उनको इग्नोर करो, ठीक है। तो खैर स्कूल भी बन गया, अभी आश्रम भी काफी अच्छा रिपेयर हो गया। अगर डॉक्टर सब अभी वो देख रहे हैं कि रहने के लिए जो डिवोटीज है वो भी आ सके और वो भी ठीक से रह सके, गेस्ट रूम वगैरह अगर कुछ अरेंज कर पाए, शायद महीने साल भर में। स्कूल का अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोरोना के दौरान पूरा शटडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो स्कूल भी शायद अभी ठीक से चलेगा, बहुत उम्मीद करते हैं गुरुदेव के पास। और बाकी अगर वो गेस्ट रूम वगैरह भी बन जाता है तो डिवोटीज भी वहां पे आ सकते हैं और कुछ पैसा दे के फिर वो खुद आश्रम में ही रह सकता है, और स्टेशन में उनको रखने के, स्टेशन के पास लॉज में उनको रुकने का कोई जरूरत नहीं। आश्रम में बैठ के स्कूल का बच्चा का अच्छा अच्छा वो सब देखेंगे बच्चे लोगों को। मैं स्कूल भी बोला, देवाशीष दा को बोला था, स्कूल का नाम जो है वो बाबा के नाम पे रहेगा, बाबा विशुद्धानंद जी के नाम पे ही स्कूल है, और आश्रम का नाम भी विशुद्धानंद तपोवन है। और डॉक्टर साहब और भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका परिवार भी उनके साथ है। तो अभी ऐसा है, तो मैं उनके जब गया था तब उनको मैं बोला था कि ऐसा ये पंचमुंडी आश्रम मंदिर जो है उनको थोड़ा से भी रिपेयर कर पाए तो, तब तो उन्होंने बोला था अभी मैं स्कूल के लिए इतना खर्चा करो, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप मुझे बोला अगर अनिरुद्ध कुछ इंतजाम कर सको तो। तब फिर से मैं लोगों को बोला कि अगर कुछ पैसा मिले, भगवान का बहुत ऐसा है अच्छा है, 1 रुपए का भी डोनेशन कुछ नहीं मिला, ठीक है। और इसके लिए मैं किसी का निंदा भी नहीं करता, मैं निंदा करना छोड़ दिया है, उसमें फायदा तो कुछ नहीं मिलता है, दूसरों का गंदगी मन में लेके फिर क्या है, मन साफ रहना चाहिए। तो फिर मैं काफी कोशिश किया, डोनेशन उतना तो नहीं मिला, फिर वो काम अभी रुक गया। तो हाल ही में अभी इस साल, अभी आज है 26 नवंबर 2020, अभी जो पंचमुंडी आसन का जो मंदिर है बहुत बुरा हालत है, बहुत खस्ता हालत है, और डॉक्टर साहब अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर को थोड़ा सा रिपेयर कर पाए, पूरा उसको कुछ डेमोलिश करके थोड़ा सा बहुत अच्छा एक बेहतरीन नया कंस्ट्रक्शन बनाया जाए, और वही चीजों के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और शायद वो अभी फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड है, और जब से ये मंदिर का रोज का पूजा हो रहा है तब से लोगों का आना जाना भी कुछ हुआ है, थोड़ा सा क्राउड है, थोड़ा सा वहां से भी कुछ कलेक्शन मिलेगा, और बाबा का दूसरा भी डिवोटीज कुछ है वो भी कुछ मदद करेंगे। तो फिर देवाशीष दा मुझे अभी हाल ही में ही उन्होंने मुझे पूछा कि अनिरुद्ध ऐसा काम हो रहा है, तुम क्या कुछ डोनेशन कर पाओ, क्या तुम्हारा जितना भी लोग है तुम क्या वहां से कुछ डोनेशन कर पाओ। मैं बोलता हूँ ठीक है देखता हूँ कितना एस्टिमेट कैसा है, तो उन्होंने जैसा बताया एस्टिमेट करीब करीब 1 लाख रुपीज का है, और 1 लाख रुपीज शायद हो भी जाएंगे, फिर भी मैं अपने तरफ से 5,000 रुपीज दूंगा। मेरा जो मंथली कंट्रीब्यूट पूजा के लिए रहता है वो तो अलग है, वो करीब करीब अभी 2,500 रुपए पर महीने देना पड़ता है, अप्रैल से मैं उसको 3,000 कर दूंगा, पुरोहित से मैंने बात हुआ है क्योंकि महंगाई भी बढ़ रहा है, तो उसको छोड़ के मैं एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज मैं खुद से देने वाला हूँ आश्रम, ये पंचमुंडी आश्रम के ये बनाने के लिए। और मैं आप सभी से भी मैं आग्रह करता हूँ, अगर आपके पास कुछ आप दे सकते हैं ठीक है, तो आप मेरे अकाउंट में डालिए, मैं अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिख दूंगा, और नहीं तो वो मैं डाल दूंगा ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, देखते क्या करते हैं, अकाउंट पूरा ओपनली देना वो सही रहेगा कि नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ठीक है 9153121342 कि आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं, तो आप मैं आपका पूरा मेरा बैंक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसमें पैसे भेजिए, उसको आप गिफ्ट करेंगे गिफ्ट, नहीं तो दूसरा कुछ लिखेंगे फिर इनकम टैक्स का फटका मेरे को पड़ेगा, आप गिफ्ट करके लिखिए। और जब पूरा पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, इसके लिए डेडलाइन वही है, डेडलाइन है आपके लिए, मैं डेडलाइन भी सेट कर देता हूँ 5 दिसंबर 2020। अगर आप 5 दिसंबर 2020 के बाद आप मुझे डोनेशन भेजोगे, वो पैसे से मैं रेस्टोरेंट जाके खाना खाऊंगा,
उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, पर अगर टिल 5th दिसंबर 2020 तक आप मुझे डोनेशन भेजते हो तो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा मैं वो पूरा पैसा मैं डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा नेट बैंकिंग से, और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको पर्सनल भी व्हाट्सएप कर दूंगा कि भाई साहब आपका जो डोनेशन है वो सही जगह पे पहुंच गया, वो पैसा मैंने नहीं खाया, ठीक है। तो बहुत साफ सुथरा हिसाब रहता है मेरा, ठीक है, क्योंकि पैसा जो लोता है वो सामने वाला सोचता है ये तो चोर है, पहले सोचेगा चोर है, तो इसलिए मैं ये लीडरशिप का काम परस में भी करता हूँ, तो मुझे ये चीज का आदत है लोगों के साथ काम करने का। पैसा अगर आप रखते हो तो लोग सोचता है ये तो चोर है, तो वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा। 5th दिसंबर ये डेडलाइन है, उसके बाद मैं अपना 5000 अगर दूसरे से कुछ डोनेशन मिलता है पूरा इकट्ठा करके मैं आपको भेज दूंगा डॉक्टर साहब को, ये तो मैंने आपको बता दिया। और डॉक्टर साहब और जो कितने लोग हैं मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग ये पूरा चीज इनिशिएटिव वो कर रहे हैं। और अभी देवाशीष दा मुझे बोले कि अनिरुद्ध तुम चाहे तो झालदा सब काम देख के आ सकते हो, तो अभी मेरे लिए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मैं पूरा चीज में ओवर द फोन में पुरोहित से बात होता रहता है, इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता रहता है, अभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है झालदा अभी जाने के लिए। मैं तो अपना डेली का जो रूटीन है और साधना है प्रोफेशनल काम है वो लेके थोड़ा सा चलता हूँ। बहुत बहुत अरसा हो गया वर्धमान में, ये जो आप घर देख रहे हैं ये मेरा साधना का घर है, यहाँ पे करीब करीब अभी मेरा 12-15 साल हो गया, 18 साल का आध्यात्मिक अभी चल रहा है, 12-15 साल में इधर ही बैठ के मैंने पूरा अपना आध्यात्मिक, ये जगह जो है ये मेरा माने पूरा सृष्टि में सबसे सेक्रेड सबसे बेहतरीन जगह है ये स्थान। ये स्थान में अभी काफी अरसे से मैं बैठा हुआ हूँ, बाहर किधर भी नहीं गया और ऐसा मैं बैठा हूँ, ये सामने जो है बाबा विशुद्धानंद जी का फोटो है, मैं ऐसे बैठता हूँ सीधा ऐसा वो रहता है, पीछे का ये रहता है, ठीक है। चलो बहुत कुछ चर्चा हो गया आउट ऑफ सिलेबस, उसको छोड़ते है, ये आज का डिस्कशन यही पे खत्म करते है। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, फिर से बताता हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर 9153121342, अगर आपको डोनेट करना है आप अभी कर सकते हैं, वो पैसा बाबा का काम में लगेगा, बाबा का घर बनाने को लगेगा, अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। आप सब बहुत बहुत अच्छे रहिए, नमस्ते।